राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी आजाद समाज पार्टी के लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम समझते हैं क्या है मामला। चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया गया है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम। चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे CHA भर्ती CHA के कर्मचारियों को लेकर के एक धरने की मांग पे गए थे। उनका एक आंदोलन था, उसको सपोर्ट करने के लिए जयपुर गए हुए थे। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको होटल से रात में 12 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। तो उसी के विरोध में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद और देश के अधिकांश जनपदों में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन उनको प्रेषित कर रहे हैं जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि हमारे नेता जिनका कोई जुर्म नहीं है, जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको इस तरीके से, वो कोई मुजरिम नहीं है, वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये CHA भर्ती में किसी धर्म, एक जाति एक धर्म के लोग नहीं हैं, वहाँ पे सारे जाति और धर्म के लोग हैं। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए चंद्रशेखर जी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के, वो उनकी आवाज़ मुखर करने के लिए गए। क्योंकि आज सब कोई, आप सब भी जानते हैं कि चंद्रशेखर जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है, ख़ास तौर पे जो बहुजनों की आवाज़ बुलंद कर रहा हो और डंके की चोट पे कर रहा हो। और उनको इसलिए डर नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कभी ED CBI नहीं जांच बिठा सकती है, क्योंकि आप लोग तो घर तक गए हैं, आपने कवर किया है उनका, आप घर उनका देख लीजिए। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि यही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ। तो जयपुर राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दमन कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये सबने देखा है, और कांग्रेस भी उसी का ही दूसरा पहलू है। आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने पिछले 10 सालों से संघर्ष किया है, तो उन्होंने सिर्फ स्वयं नहीं बने हैं, उन्होंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कर दिए हैं। वो एक हमारा नेता अंदर जाएगा तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी, और उनको न्याय दिला करके रहेंगे। जो CHA के कर्मचारी हैं उनको न्याय मिल करके रहेगा, और हमारे भाई तो आज नहीं तो कल बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है वहाँ पे राजस्थान में, चूँकि आपके उत्तर प्रदेश से भी कई साथी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुनने में आया कि वहीं पे जी क्या बातचीत हुई है, क्या रिहाई को लेकर के क्या प्रयास किए जाए? अब वो आज चूँकि संडे है, अब कोर्ट के विषय में हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, आप देखिए कल क्या होता है। अभी तक के FIR की कॉपी तक मुहैया नहीं कराई गई है, तो आप ये देखिए किस तरीके से शासन, चाहे जो सा भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, शासन हमेशा जो है बहुजनों की आवाज़ दबाता है। और एक नेता, एक लौते नेता जो बहुजन समाज के हैं, जो कहीं भी दुख मुसीबत पड़ता है बहुजन समाज पे या गरीब गुरबा पे, वो सबसे पहले पहुंचते हैं, तो उनकी आवाज़ दबे। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 15-20 सालों में वो एकमात्र नेता हैं पूरे देश भर में जो हमारे और आपके बीच से निकले हैं। कल को ये भी चंद्रशेखर हो सकते हैं, ये भी चंद्रशेखर हो सकते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि ज़मीन से आदमी उठ करके बहुजनों की आवाज़ उठाता हुआ एक नेता बन सकता है। और यही पुराने नेताओं को यही खल रहा है, क्योंकि गहलोत जी को भी तो अपने लड़के को आगे बढ़ाना है राजस्थान में। इसी प्रकार से आप देखिए कि जहाँ पे भी संघर्ष होगा वहाँ पे एक नारा, एक नाम ज़रूर गूंजेगा, वो है बहुजनों की आवाज़, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। कहा जाता है आमतौर पे कि चंद्रशेखर जी के बहुत अच्छे संबंध है प्रियंका गांधी से, और उन लोगों से बातचीत हुई है, उनकी भी सरकार में गिरफ्तार में एक समय आरोप लगता है कि फंडिंग कर रही है कांग्रेस, आज उसकी सरकार में गिरफ्तार किया। अब आप ये बताइए, लोग कहते हैं कि अच्छे संबंध हैं, भाई ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो तो एक बहन की तरह आई थी मिलने के लिए जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, भाई तो नहीं गए उनके पास, तो ये कैसे अच्छे संबंध हैं कि उन्हीं की सरकार चल रही है और उन्हीं की गिरफ्तारी है, और वही दो भाई बहन प्रियंका जी राहुल जी दोनों मौन हैं इस चीज़ पे। उनको तो आगे आके बढ़ के बोलना चाहिए था ना, माननीय राहुल गांधी जी खुद ही ED की जांच में 4-4, 5-5 दिन बिठाए गए हैं, तो उनको तो इस चीज़ का दर्द होना चाहिए ना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे होता है, तो वो अपनी ही सरकार में दुरुपयोग करवा रहे हैं। अब दरअसल ये दिखावा होता है, चूँकि चंद्रशेखर भाई उभरते हुए नेता हैं तो हर कोई उनसे मिलता है, आकर के मिलता है, वो दिखाने चाहते हैं कि हम इनके समाज के हैं, इनके समाज के साथ हैं, उनके समाज के हितैषी हैं। मगर आपने देख लिया कि कितने अच्छे संबंध हैं,
तो इस विषय में अब चंद्रशेखर भाई जब निकलेंगे उनसे आप पूछिएगा कि ये तो वहाँ पे चूंकि चुनाव भी है और चुनाव के आयन वक्त पे इस तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन ये प्रदर्शन क्या राजस्थान में और बड़ा होगा, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे राजस्थान में आप? हम लोग पूरी तरीके से कूच करेंगे, वही बात अपनी टीम से हो चुकी है, तैयारी है। और अभी एक मेघवाल जी का जो अभी हत्या हुई थी उसमें आपने देखा था पूरा राजस्थान चंद्रशेखर भाई ने अकेले दम पे हिला दिया था। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं था भाई, वहाँ सपोर्ट करने के लिए गए थे, है ना। अगर पहले से होता कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कॉल होता तो क्या कोई हाथ लगा सकता था? क्या मेघवाल जी में कोई हाथ लगा पाया भाई को? वो तो भाई एक सॉलिडेरिटी के तहत एक उनको समर्थन देने के लिए गए थे और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था, उनकी मांगों के समर्थन में गए थे। और इसीलिए जो है उन्होंने, और देखिए आप, उन्होंने स्थल से नहीं होटल से उठाया, और क्या चार्जेस लगाए ये तो अब वो बताएंगे किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं। और शासन सत्ता आप जानते हैं कुछ, आज रविवार है और कोर्ट का चूंकि डिसीजन है, सरकार का रवैया इसी तरीके से रहा कि आप लोग कुछ करेंगे, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कुछ करेगी वहाँ पर? एकदम, संडे है तो क्या हुआ, डीजल थोड़ी मिलना बंद हुआ, ट्रेनें थोड़ी चलना बंद हुई, कूच करने में क्या है, कितना दूर है जयपुर, 550-600 किलोमीटर, है ना। हम लोग संगठन बनाने के लिए पिछली बार से हमारे ये जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं कोई घर में नहीं बैठा है, आज सोचिए सब काम धंधा छोड़ करके आए हैं संडे वाले दिन, और यहाँ सूचना मिली थी कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, जिलाधिकारी जी नहीं मिलेंगे, फिर भी हम लोगों ने कहा ज्ञापन तो हम लोग देंगे, आज ही देंगे। तो कूच करना तो हम लोग का वो अगला स्टेप है ही। अब हमारे जो इस समय मुखिया हैं प्रदेश के माननीय सुनील चित्तौड़ जी, पूर्व MLC, अब उनका जो भी आदेश होगा, क्योंकि वो भाई के बिहाफ पे काम करेंगे, तो जो उनका जो भी अगला आदेश होगा हम लोगों की टीम पूरी तरीके से तैयार है, जैसे ही आदेश होगा तुरंत सब गाड़ियां निकल जाएंगी राजस्थान के लिए, हम लोग तैयार हैं। आज क्या प्रशासन कह रहा है, आप लोगों की प्रशासन से भी बातचीत हुई है? प्रशासन हमको जाने नहीं देगा, मगर हमारे हौसले नहीं टूटे हैं, हमारा नेता जब तक जेल में रहेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, और ये आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रिलीज़ करा जाएगा। और उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, मैं आपको बता दूं उनके स्पाइन में दिक्कत है, और हमारे नेता की सेहत सर्वप्रिय, और आज आज़ाद समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ेगी पूरे भारत में, और अगर हमारे नेता को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग राजस्थान कूच करेंगे और उस तानाशाह सरकार को दिखा देंगे कि अगर हमारे नेता को तुमने नहीं छोड़ा तो रोडों पे सिर्फ जाम लगेगा और आज़ाद समाज पार्टी के नारे गूंजेंगे, और चंद्रशेखर भाई आज़ाद को रिलीज़ कराने के लिए हम लोग पूरी जान लगा देंगे। बस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, अध्यक्ष जी आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बने हुए हैं, और किस तरीके से क्या बातचीत हो रही है, कहाँ पे ज्ञापन देंगे, आगे जाने दिया जाएगा? प्रशासन जो है हमारा प्रेशर बहुत बना रहा है कि ज्ञापन ना देने दिया जाए, लेकिन हम सभी जनता से अपने जो भी हमारे जितने भी सदस्य हैं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि मैं DM महोदय को आज ही आज की डेट में और अभी उनके निवास स्थान पर मैं ज्ञापन जरूर दूंगा। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जिनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर किसी लड़ाई के लिए नहीं गए थे, वहाँ पर हक की आवाज़ उठाने गए थे, और उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, उन्हें होटल से उठा लिया गया है, जो कि सरकार का मनमानीपूर्ण रवैया है, और इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहेंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए Google Play Store से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप Daily Insider।